Hey guys, this is Kriti Sharma. Welcome back to my channel Creative Learning. आज हम सीखेंगे analytical paragraph, जिसमें examiner बिल्कुल marks नहीं काट सकता, वो बहुत easy होता है. बस उसमें कुछ vocabularies हैं जो तुम्हें जाके exams में सजा के आनी होती है. ये दिखाना होता है examiner को कि हम पढ़े लिखे बच्चे हैं. वो मैंने तुम्हें सारा बता दिया है. तुम्हें दो examples के साथ मैंने पूरा data explain किया है. उस video को पूरा देखो and then I'll see you in the next video. आज हम करेंगे एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग, जो बोर्ड एग्जाम्स में आपके 5 मार्क्स का आने वाला है और बहुत इजी होता है. बट उसको करने का एक हैक होता है जो किसी को नहीं पता. बोर्ड एग्जाम्स में आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपके ग्राफ्स होंगे उसी को देख करके नीचे लिखते जाने. बट जब आप लिख रहे हैं उसमें आपको कुछ कुछ वोकैबुलरीज यूज़ करनी है, जैसे कि ऑल, ऑलमोस्ट ऑल, मेजॉरिटी ऑफ, एज मैनी एज, सम, ऑलमोस्ट नो, वन थर्ड, हाई हिट हाई ऑफ, फ्यूअर एन इंक्रीज. इस तरीके के कुछ कुछ वर्ड्स, जैसे कि अगर किसी ग्राफ में आपको दिख रहा है कि कोई स्टैट चेंज ही नहीं हुआ है, यानी 2016 में भी वही था, 17 में भी वही था, 18 में भी वही था, उस केस में आप लिखेंगे रिमेन अनचेंज्ड, यानी वो चेंज नहीं हुआ. सो आप इन्हीं वोकैबुलरीज की वजह से बोर्ड में मार्क्स रहने से रह जाते हैं. चलिए, तो लाइन ग्राफ के कुछ वोकैबुलरीज होते हैं. मान लो आपके पास कोई लाइन ग्राफ्स आता है, ऐसे ग्राफ्स कुछ आते हैं, तो उसमें आपको कैसी वोकैबुलरीज यूज़ करनी है वो भी मैं बता देती हूँ. सबसे पहले आपने बता दिया राइज. अगर आपका ग्राफ इस तरीके से ऊपर जाता है तो आप लिखेंगे देयर इज़ अ राइज. इंक्रीज, कोई भी चीज़ अगर अपवर्ड है तो आप ये वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इंक्रीज हो गया, क्लाइंब हो गया, ग्रोथ हो गया, गो अप हो गया. अगर कोई भी चीज़ डाउन जा रही है, किसी भी लाइन ग्राफ में चीज़ें डाउन की तरफ जा रही हैं, तो आप लिख सकते हैं डिक्रीज, अ ड्रॉप, फॉल, डिक्लाइन. टाइम के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, जैसे कभी होता है कि हमें बताना होता है आने वाले 3 सालों में, तो ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, 3 ईयर्स लेटर, इन द फॉलोइंग 3 ईयर्स, द नेक्स्ट 3 ईयर डेज शोज, ओवर द पीरियड, फ्रॉम दिस टू दिस, बिटवीन. इस तरीके से आप इन वोकैबुलरीज को यूज़ करके अपने ग्राफ्स को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं. अच्छा, अगर फ्लक्चुएट होती है चीज़ें, मान लो कोई ग्राफ है जो ऊपर नीचे बार बार देयर इज़ अ फ्लक्चुएशन, उस केस में आप फ्लक्चुएट टर्म यूज़ कर सकते हैं कि भाई ग्राफ में फ्लक्चुएशन हो रही है. डिप मतलब क्या होता है कि अगर सडन एक डाउनफॉल आ जाता है तो उसको हम कहते हैं डिप. सो लेट्स बिगिन विद एग्जाम्पल. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ एक सर्वे कंडक्ट किया हमने, जहाँ पे हमने लोगों के व्यूज़ लिए अबाउट द सिगरेट स्मोकिंग. तो यार इसमें 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी होती है. पहला तो तुम अपना पाई चार्ट देखो, उसमें स्टैट्स क्लियर होने चाहिए. अगर तुम्हें पता है कि यहाँ पे 30% है, यहाँ पे 20% है, यहाँ पे 5% है, यहाँ पे 45% है, तो कुछ भी नहीं करना, यही सेम डेटा नीचे लिखना होता है इस पैराग्राफ में. अब 10th क्लास के लिए आपको 2 लाइन में लिखना होता है इंट्रोडक्शन, 2 लाइन्स में लिखना होता है कॉन्क्लूजन, और बची हुई कुछ 6 लाइन्स में लिखना होता है एक्सप्लेनेशन. ये डेटा बिल्कुल दिमाग में बैठा लो. सबसे पहला होता है हेडिंग. हेडिंग हैज़ टू बी इन द मिडल ऑफ योर पेज. सिगरेट स्मोकिंग कोई अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, आपने हेडिंग डाल दिया. देन कम्स योर इंट्रोडक्शन पार्ट. इंट्रोडक्शन पार्ट हमेशा 2 तरीके से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट, द अबव पाई चार्ट शोज द रिजल्ट ऑफ, पहला ये होता है, ये स्टेटमेंट आप यूज़ कर सकते हैं एग्जाम में कि द अबव पाई चार्ट शोज द रिजल्ट ऑफ व्यूज ऑफ पीपल, पहला. दूसरा आप ये स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, द बार ग्राफ गिवन अबव डिपिक्ट्स. ये 2 स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जो आप स्टार्टिंग ऑफ किसी भी एनालिटिकल पैराग्राफ के लगाते हैं किसी एग्जामिनर को डिनोट करने के लिए कि आप क्या एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर रहे हैं. अब जब भी हमें ये बताना होता है कि कोई चीज़ राइज हो रही है, तो यू हैव टू यूज़ दिस वोकैबुलरीज. लेट्स से अ राइज ऑफ, एन इंक्रीज ऑफ, अ ग्रोथ ऑफ, द ग्राफ हैज़ गॉन अप, ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको यूज़ करने हैं. इस वाले केस में, इस वाले ग्राफ में जो 5% है ये माइनॉरिटी केस है, ठीक है. तो माइनॉरिटी केस के लिए आपने यूज़ किया फ्यू पीपल और FEWER, ये वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं कि 5% पीपल ऐसे थे जिनको लगता था देयर शुड बी नो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन सिगरेट स्मोकिंग. उसके बाद ऑलमोस्ट वन फिफ्थ, वाई डिड वी यूज़ 1/5 फॉर 20%? बिकॉज जो पाई चार्ट होता है वो क्या है, 100% का होता है. तो अगर ये 20% है तो ये क्या हो गया आपका, 1/5 हो गया. तो 1/5 लोगों को ऐसा लगता था कि जो ये स्मोकिंग है ये बैन हो जानी चाहिए जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं. अब बात करते हैं 30%. 30% के लिए हमने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया एज मैनी एज. क्यों? क्योंकि वो हमारे ग्राफ का ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन के बारे में बात कर रहे हैं. दैट्स वाई हमने ये वोकैबुलरी यूज़ किया एज मैनी एज. 30% ऑफ द पीपल वर ऑफ द ओपिनियन कि जो स्मोकिंग है वो बैन करनी चाहिए, लेकिन केवल शॉपिंग मॉल्स और बिग स्टोर्स में, ठीक है. और इस तरीके से जहाँ पे आपको ये बताना है कॉन्क्लूजन में, तो कॉन्क्लूजन में सिंपल सी आपको ये बात लिखनी है कि भाई सारे लोगों ने यही मानते हैं, मतलब भलाई की बातें लिख के आना है पेपर में कि भाई एवरीबडी आर ऑफ द ओपिनियन दैट स्मोकिंग शुड बी बैंड, बट पीपल हैव देयर ओन व्यूज एज वेल. तो कॉन्क्लूजन हो गया 2 लाइन्स में. और कोई भी टीचर आपके 5 में से आपको 4 मार्क्स से कम नहीं देगा अगर आपने ये वाली वर्ड्स उसमें लगा रखे हैं. तो दूसरा चार्ट देख लो एक बार, लास्ट जो है आपका बार ग्राफ. तो ये आपको एक बार ग्राफ दे रखा है जिसमें सारी चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है. तो बार ग्राफ गिवन अबव डिपिक्ट्स मेजॉरिटी एक्सपोर्ट्स फ्रॉम मडलैंड. जो एक्सपोर्ट्स है वो कन्वे करती है कि इस ईयर से
एज़ कम्पेयर टू द लास्ट ईयर। तो आपको देखो ये दिख रहा होगा कि पाम ऑयल पिछले साल पे कितना था और इस साल पे कितना है, तो कहीं पर वो बढ़ रहा है कहीं पर वो घट रहा है। तो जहाँ पे ग्राफ सेम है, लेट से इस वाले केस में, थर्ड केस में इट्स ऑलमोस्ट द सेम, तो इसके लिए आप तीन वर्ड्स यूज कर सकते हो। फर्स्ट इज रिमेन अनचेंज्ड, स्टेडी, ठीक है, और तीसरा मैंने यहाँ पे तुम्हें लिख के दे दिया है, रिमेन अनचेंज्ड और रिमेन स्टेबल, सेम ही है। तो इस तरीके से तुम्हें ये ग्राफ्स बनाने होते हैं। जब दोनों सेम होते हैं तो शोज़ द सेम नंबर। इस तरीके से आप इन वर्ड्स को यूज़ करके अपने एग्जाम्स में कर सकते हो। आई विल अटैच टू मोर क्वेश्चंस फॉर यू, वो सारे आपको एक बार सॉल्व करके मुझे बताना है। गेम होता है बस इन वर्ड्स का। अगर आपको ये वर्ड्स आते हैं करने के लिए तो ग्राफ ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ये सारे के सारे पढ़ लेना। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।